आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी सर्च को लेके। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने ठान लिया कि मेरे को जर्मनी आके पढ़ना है, आपका प्रोसेस में स्टेप वन होता है यूनिवर्सिटी सर्च करना। गिवन दैट आपको पता होना चाहिए कि आपको मास्टर्स या बैचलर्स किस में आके करना है। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, ये अभी पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बताओ कि स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए यूनिवर्सिटी सर्च करते हुए। पहला स्टेप है यू गो ऑन वेबसाइट्स लाइक डार्ट, earningshadow.com एटसेट्रा। द सेकंड स्टेप इज यूज अ लॉट ऑफ फिल्टर्स टू लाइक क्लियर आउट योर सर्च, फोकस ऑन व्हाट यू रियली नीड। थर्ड and the most important step जो मैंने भी use किया है is to create a spreadsheet in the following format. You can include your university name, the course type of it, the number of semesters your course has, the language requirements, for example IELTS, the German GPA requirement. By the way, there's a calculator on nikshala.com for that. You could use it. The last one would be the mode of application. So whether the application is going via UniAssist या direct portal है. Basically point ये है कि इन websites पे जाके आप filters यूज करना ना भूलना। जो आउटकम्स होंगे दे विल बी वेरी प्रिसाइज, नहीं तो फिर आप पूरे गूगल पे और हर जगह ढूंढते ही रह जाओगे यूनिवर्सिटी को लेके। ये वीडियो सेव करके रखो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।